हेलो, वेलकम बैक टू आर्य शर्माज व्लॉग। मैं फिर आ गई हूँ एक नया व्लॉग लेकर, जो हरिद्वार पार्ट टू है। पार्ट वन आप ऑलरेडी इंजॉय कर चुके हैं। मैं और मेरी फैमिली है बिल्कुल मजे में। आई होप आप और आपकी फैमिली भी मजे में ही होंगे। तो चलो एक बार साथ में बोलते हैं जय मनसा देवी और शुरू करते हैं माँ मनसा तक पहुँचने का सफर। तो हम, मैं और मम्मी तैयार हो गए थे और रूम से निकल गए। अब हम जा रहे हैं मनसा देवी के लिए। मम्मी ने पूरा पिछौड़ वगैरह पहन लिया है, मैं भी पिछौड़ लेके आई हूँ। बट मैं वेयर करूंगी ऊपर मंदिर में जाके ही, क्योंकि अभी ना धूप भी बहुत है, ऊपर तो जाना है। मैंने कहा वहीं पर ठीक रहेगा, फिर चुन्नी भी इसकी हैवी है तो दो दो पीस क्या ही लेनी थी। काफ़ी अच्छी वाली फीलिंग है, पर धूप भी है, उससे ज़्यादा भीड़ बहुत ज़्यादा है और भीड़ बहुत है, इसलिए हमें रुक रुक के जाना पड़ रहा ये है। ये देखो भीड़ तो गजब ही लगी हुई थी यहाँ। इतनी गर्मी, ऊपर से इतनी भीड़, कसम से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे हम। मतलब एक दूसरे के बगल से निकलना तक दुश्वार हो गया था। ये था टिकट काउंटर जहाँ से आपको माँ मनसा देवी और माँ चंडी देवी के लिए टिकट मिलती है। मनसा देवी तक के लिए आपको बाय रोप बाय ट्रॉली जाना होता है, बट यहाँ पे 1 आवर का वेटिंग लिस्ट दिख रहा था। उसके बाद इतनी भीड़ बाहर थी, हम तो हिम्मत ही हार चुके थे कि हमें टिकट मिलेगी भी। फिर भी आहित एक बार ट्राई करने के लिए यहाँ गए। तब तक मम्मी पापा डुगू का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे और उसको हाइड्रेटेड करने के लिए जूस पिला रहे थे ताकि वो थोड़ा सा लाइट फील करे। हम वेटिंग पे हैं कि मनसा देवी हम जाएं और वहाँ के लिए हमारी ट्रॉली बुक हो जाए, उसके लिए भीड़ देखो। ये 1 आवर की वेटिंग के बाद इतनी भीड़ बाहर है। अपने पेशेंस लेवल्स को चेक करते हुए आहित लग चुके थे इस भीड़ भरी क्यू में, बट फाइनली ही गॉट द टिकट्स। देन वी मूव टू द कैंटीन एरिया टू यूटिलाइज आवर 1 आवर वेटिंग टाइम। सो अभी हम 1 आवर की वेटिंग लिस्ट पे हैं। तब तक हम यहाँ पे आ गए हैं वेटिंग एरिया में और मैं सोची कुछ खा पी लेते हैं यहाँ पे। भाई बहुत बुरी हालत हो गई है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा वाली बुरी हालत हो गई है। अब बस सबसे पहले बाल बाल बांध लूँ मैं और भूख लग गई है। मैं डोसा खाऊंगी, मैं डोसा लगवा दूँ। मम्मी I truly can't tell you guys that how much I felt relaxed when I sat on the chair और मेरे पीछे से इतना अच्छा सा और इतना तेज कूलर चल रहा था, बट वो कूलर और ये गर्मी मेरे बालों को कर रहा था डिस्टर्ब। तो सबसे पहले बैठने के बाद मैंने अपना हेयर बन बनाना ही प्रेफर किया। हेयर्स का तो सॉल्यूशन हो चुका था, बट what can I do for this heavy चुन्नी? आहित के कहने पर ऐसे लहराते हुए मैं पीछे चली तो गई थी कार्ड लेने, बट लिटरली हालत ऐसी थी कि सीट से हिलने तक का मन नहीं कर रहा था। बट क्या कर सकते, हम सभी की हालत ऐसी हो चुकी थी, बिल्कुल खस्ता। ये मैं तो डोसा खाने का सोच रही हूँ। बहुत गर्मी है, बहुत, पैरों की सच में बात लग गई। मतलब ऐसा हो गया कि दूर से ट्रैवल करके यहाँ तक आए हैं, बट एंड मोमेंट में ना मतलब थोड़ी सी चीज़ रह गई, मतलब फीलिंग आ गई थी क्विट करने की कि भाई लेट्स गो होम बैक। अब बस ऐसा हो रहा है कि 1 घंटे का जो वेटिंग लिस्ट है उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं खाने में, खाना डिसाइड कर रहे हैं, खाना खा लेते हैं और उसके बाद तब तक 1 घंटा बीत जाएगा, जाएंगे ऊपर माँ मनसा देवी और वहाँ पे जाके हम कंडीशन देखेंगे। अगर लगी तो माँ चंडा देवी के लिए हम प्रस्थान करेंगे, अदरवाइज वहीं से वापस। एक्चुअली डुगू भी परेशान हो रही है ना फिर। और यहाँ पे आहित ने सबका ऑर्डर ले लिया है और गए हैं ऑर्डर देने के लिए और मम्मी लग रही है काफ़ी सुंदर सी वाट लगा दिया, वाट है ना। सर्दी में आ सर्दी, बारिश में आ बारिश, गर्मी आ गर्मी। चलो माता रानी के दर्शन करने थे, हाँ ये ना, और नहाना धोना अच्छा सा हो गया, हाँ माता रानी के दर्शन भी हो ही जाएंगे। अब हम यहाँ पर ठहरे हैं। जो ऑर्डर प्लेस किया है एक ही करके आ रहे हैं। यहाँ पे पापा का आ चुका है राजमा छोले, पापा ने मंगाए थे और जो हमारे हैं उसके लिए हम हैं वेटिंग। खाना पीना खा लेते हैं और पता है यहाँ पे बैठ के अच्छा लग रहा है क्योंकि पीछे से ना पूरी अच्छी वाली एयर पास हो रही है, तो गर्मी का उतना एहसास यहाँ हो जाएगा। आइस मेरी मगर सोती नहीं है और मेरी आइस में अगर थोड़ा बहुत भी डस्ट चला जाए तो ऐसे रेड रेड हो जाती है। और पापा खिला रहे हैं खाना।
शाही का भी डोसा आ चुका है। तुम अपने हाथ से खाती हो क्या? नहीं मुझे मत खिलाओ, नानू जी को खिलाओ, नानी को खिलाओ। तो मम्मी की भी चपाती फिनिश हो गई है, अभी और आ रही है। कैसा डोसा? नॉट सो गुड, नॉट सो बैड, ओके ओके। मम्मी कैसा लगा डोसा? बहुत अच्छा। मेरा क्लचर भी रूम पे रह गया, हाथ में रबर बैंड भी नहीं है, ऐसे जस्ट जूड़ा बना लिया है। गर्मी बहुत हो रही है, एक तो क्या हुआ खाना खा लिया ना तो मेरी आंखों में वजह से सो जाऊँगा। एक घंटे का लंबा इंतजार हुआ खत्म और हम भी अपना लंच वगैरह करके आ गए थे मेन एंट्रेंस की साइड, जहाँ से माँ मनसा देवी के लिए हमें ट्रॉली मिलती। और यहाँ पे मम्मी पापा पूरा अपना सेल्फी स्किल्स का शो कर रहे थे, बिकॉज जो ये ऊपर से ऐसी ट्रॉलीज आ रही थी बाय रोप वो इतनी इंप्रेसिव लग रही थी कि पापा मम्मी हर एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से कैप्चर कर रहे थे। और ये देख के मुझे अच्छा लग रहा था कि अब ये लोग भी हमारी जनरेशन में बहुत अच्छे से ढल चुके हैं और वो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे हर एक एक मोमेंट को। और ये हमने यहाँ से कर ली थी एंट्रेंस। हमारा सफ़र सिर्फ जो ऑलरेडी एक घंटे का था वो ख़त्म हुआ था, बट जो हमारा नंबर था उसके लिए लाइन लगनी थी यहाँ से, और जो कि थी अनएक्सपेक्टेड लंबी। यानी कि बोतल जैसे हमारी ख़त्म होती है तो हम इसको रिफिल कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे हर जगह पानी की अरेंजमेंट्स अच्छे से करी गई है ठंडा पानी की। एंट्रेंस पर ही आपकी मुलाकात होती है दो कैमरामैन से, जो यहाँ पे आपकी एक फैमिली फोटो लेते हैं, और ये फोटो लेना यहाँ पर कंपलसरी है, इसके बाद ही आपके अंदर एंट्री होती है। और ये फोटो आप ऊपर दर्शन करने के बाद कैमरा काउंटर से रिसीव कर सकते हैं, वो आपकी फैमिली फोटो के बैकग्राउंड में माँ मनसा देवी का या केदारनाथ का बैकग्राउंड लगा देते हैं। बट ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको वो फोटो पसंद आती है देखने के बाद तो आप परचेज कर सकते हैं, अगर नहीं आती तो कोई फोर्स नहीं है, आप उसे वहीं छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि हम आगे बढ़ गए थे, बिकॉज हम में से किसी को भी वो फोटो बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो इतनी ब्लर थी, बट ये जस्ट उनकी एक पैसा कमाने की ट्रिक थी। साइड बाय में मेरे डुगू जी इतनी परेशान हो गई थी भाई, वो सोना चाह रही थी बट वो सो ही नहीं पा रही थी, बिकॉज वो गोदी गोदी में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बट काफ़ी भीड़ को पार करने के बाद हम आ चुके थे अपनी ट्रॉली के पास बैठने को, और ये सबसे अच्छा मोमेंट था। मम्मी जल्दी बैठो। ट्रॉली में बैठते ही जैसे हमारी ट्रॉली शुरू हुई, जय सियाराम, जय मनसा देवी, जय महादेव का जयकारा लगाते हुए हमने अपना बाय रोप वाला सफर शुरू किया। और मैं मम्मी को कह रही थी कि मम्मी इंजॉय। देखो जी ये कैसा हो गया, देखो तो मम्मी, ऊपर देखो, ऊपर देखो मम्मी। अरे देखो जी नीचे को देख ले, ऊपर को देख ले। जी क्या हो गया, पहले लोग जा रहे हैं सारे, कैसे जा रहे हैं? ओए 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 देखो ना, क्या देखो, मैं पीछे आगे नहीं देखता कहीं। दूर है बहुत यार,
ऊपर देखो बहुत दूर है काफी मजा आ रहा था, बट इसको इंग्लिश या हिंदी में क्या बोलते हैं आई एम रियली सॉरी मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट इसमें बैठ कर एक पूरी अपनी कैमरा स्किल्स को दिखाना और अच्छे से सारे मोमेंट्स को कैप्चर करना तो एक पार्ट था ही था मेरे लिए व्लॉगिंग के लिए। बट साथ ही में मम्मी पापा के रियल एक्सप्रेशन को कैप्चर करना भी काफी अच्छा हो गया था मेरे लिए, बिकॉज मेरा और आहित का तो ये सेकेंड टाइम था बट मम्मी और पापा का ये फर्स्ट ट्रैवल था बाय रोप। अरे दुगो भी हंस ले अब तो। नीचे देखो तो रिंगा जा रहा है। मम्मी कैसा लग रहा है? नीचे देखो, नीचे देखो तो रिंगा लगा रहा है। भगवान सभी डरपोक बैठे हैं मेरे साथ, एक बस मुझे ही ऐसा कुछ नहीं होता। अभी लास्ट टाइम पे भी मैं नॉर्मल थी, अभी भी जय माता दी, जय मनसा देवी, जय मनसा देवी, दुगु जी जय माता दी। दुगु इधर को देख, नहीं ये तारीख देखो, ये गाड़ी कैसा आ गई कहीं में ऐसे। चले हमरा स्टॉप हुआ आगे। माँ मनसा देवी तक पहुँचने के दो पड़ाव, लंबी लंबी क्यूज को हम पार करके आ गए थे अपने तीसरे पड़ाव की तरफ, जो थी इतनी लंबी भीड़ जिसके बाद हमें बस माँ के दर्शन होने ही वाले थे। जय मनसा देवी, जय मनसा देवी, जय मनसा देवी, आवाज भी आ रही है इसकी, जय मनसा देवी। देखो जी, माँ मनसा देवी के दर्शन करने इस श्रद्धा को अपने मन में लेकर हम अपने घर से बैग लेकर तो निकल ही चुके थे, तो माँ के दर्शन तो करने ही थे, बट इतनी लंबी भीड़, ये लाइन देखकर थोड़ा सा हम परेशान हो गए थे, इवन थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, बिकॉज हमारे साथ बच्चा भी था और ये लाइन इतनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी ना कि और ज़्यादा परेशान कर रही थी। बट कहीं ना कहीं आगे ये सफ़र चलता ही जा रहा था, धीरे धीरे हम आगे आए अंदर। यहाँ पे था ये हवन कुंड, यहाँ अग्निदेव को हाथ जोड़ते हुए सब आगे बढ़ रहे थे और फाइनली वो समय आ गया था जहाँ हमें दर्शन होने जा रहे थे हमारी माँ मनसा देवी के। इनका नाम ही माँ मनसा देवी इसलिए क्योंकि ये मन की जान लेती है और आपका मन साफ हो और आपके विचारों में भी कोई खोट ना हो तो आपकी विश जरूर पूरी करती है। मेरी तो हुई है, सो आई बिलीव। बिलीव ही एकमात्र ऐसा रामबाण है, अगर आपको बिलीव है तो पत्थर भी भगवान लगने लगता है, और अगर आपको किसी पे बिलीव नहीं है तो कोई कुछ भी आपके लिए कर लेगा पर पूरी दुनिया ही आपको व्यर्थ लगेगी। माँ मनसा देवी के साथ साथ यहाँ पर और भी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित थी, सबके आगे हमने माथा टेका और हाथ जोड़े और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की आशा उनके आगे जताई। और बट डुगो को काफी देर से भूख लग रही थी, मुझे कुछ नहीं दे पा रही थी। यहाँ पे मम्मी ने जब उसको प्रसाद दिया तो वो काफी एक्साइटेड हो गई थी कि फाइनली मुझे कुछ तो खाने को मिला, बिकॉज डुगो को काफी देर से भूख लग रही थी और हम हेल्पलेस थे इसको कुछ भी प्रोवाइड करवाने के लिए। बहुत ज़्यादा थी, बट एक चीज़ है कि दर्शन वाले मोमेंट जब आया ना तो वो बहुत प्यार से हो गया और दिल बहुत खुश हो गया, और मनसा देवी के यहाँ दर्शन करने से तो मेरे तो बहुत ही अलग फीलिंग है, बहुत अलग फीलिंग है, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बस मेरे मन के अंदर से है वो फीलिंग और माता को पता चल रही होगी और मम्मी भी आई हुई है। चलो ऊपर आने तक की सारी परेशानियां एक तरफ और माँ मनसा देवी के दर्शन करने के बाद जो सुकून मिला वो एक तरफ। 3 घंटा लाइन में खड़े होने के बाद जब हमारा नंबर आया कि हम ट्रॉली में बैठ सकते हैं और नीचे को जा सकते हैं, ये खुशी भी हमारी अलग ही लेवल पे थी, बिकॉज हम 3 घंटे से वेटिंग पे थे। जितना एक्साइटमेंट हमें ऊपर आने के लिए थी उतनी एक्साइटमेंट हमें नीचे जाने के लिए हो गई थी। चलो फाइनली इतनी भी बाद हमें नीचे को जाने को मिला है
और अब हम एक देर बाद बैठे हैं और मम्मी को लग रहा है डर। पापा ट्राई करें ढूंढ जाए और देखे सब कुछ, बट उसे नींद आ रही है। देखो ना इधर से दिल रहा चंडी देवी। हाँ वहाँ है मंदिर। अच्छा तो रोक अच्छा रोक गाड़ी है उधर की। कौन सी गाड़ी? मतलब गाड़ी से जाते हैं वो ट्रांसपोर्ट जाता है। रोक नहीं है ना वहाँ पे, मतलब ये नहीं है ये चंडी मंदिर। हाँ हाँ वो सामने ये पूरा शहर देखो। काफ़ी जद्दोजहद और क्या बोलते हैं मेहनत के बाद दर्शन करके हम आ गए हैं नीचे, अपने होटल के जस्ट सामने हैं। और हमने सोचा कि ऊपर जाने से अच्छा है कि दोबारा आना पड़ेगा चाय के लिए, तो चाय पीते हुए जाते हैं। तो चाय का ऑर्डर दे दिया है, हम यहाँ पे चाय पीने वाले हैं। और दुबी मेरे कंधे पे सो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे हैं उसके लिए। अब चल 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 हो रही है, पर मैं उसके लिए जा रही हूँ, उसके लिए मिल भी आते हैं और नीचे से चाय भी आते हैं चाय पीने के। हम जा रहे हैं नीचे भाई, ये रिलैक्सेशन हो रहा है। बहुत ज़्यादा थक चुके थे पैर ना, मतलब अंदर से पेन के मारे पक चुके थे और बहुत दर्द कर रही। तो अभी हमने शाम को ले लिया है बाथ और फ्रेशन अप हो चुके हैं अगेन निकलने के लिए। और मैंने ये वॉर्म वाटर लिया है, इसमें अपने जो पैर है उनको डिप कर रखा है। काफ़ी रिलैक्सिंग लग रहा है काफ़ी, मतलब मम्मी ने और मैंने ले लिया है। आज भी शायद अभी लेंगे इसको अपने पैर डिप करके। पापा को बोल रहे हैं, पापा नहीं ले रहे, बाकी उनको देखो वो खेल रहे हैं वहाँ पे। डुबू को भी हमने नहला धुला के तैयार कर दिया है, उसके भी ड्रेसेस चेंज कर दी है। और डुबू जी नानू जी के साथ प्ले प्ले कर ले। और यहाँ पे हमने अपने बैग्स जो किसका है ये किसका है नानी नानी का है आप नानी जी की बोलती हो। भाई हमारी दुकु जी को देखो भाई, ओले और यहाँ पे देखिए हमने गजब ही कर दिया है। इतने बड़े बड़े कंटर से ले लिए ये गंगा जल के, अब हमें कभी दिक्कत ही नहीं होगी। एक है पापा लोगों का, एक है हम लोगों का, दो डब्बे। और डुगू अभी अपने कंधों पे लेके जाएंगे ना डुगू। डुगू वेयर्स योर शूज, शूज वेयर्स योर शूज। अब हम जा रहे हैं डिनर करने नीचे। डुगू जी अब जा रहे हैं हम डिनर करने, अपनी पेट पूजा करने, खाना पीना खा लेते हैं फिर आएंगे यहीं और चेकआउट करेंगे हम 11 बजे यहाँ से। और 12 बजे की है हमारी बस जो हमें सुबह छोड़ेगी 7 या 7 बजे तक दिल्ली। ये वाला सूट भी अच्छा लगता है पंजाबी जैसा, बाल ठीक करो। दुगु जी अपने नानू जी के साथ आगे आगे भागी भागी करके जा रहे हैं। हाँ हाँ
और ये आहित भी आ रहे हैं। थक गए, थकना ही था, थकने के लिए आए। क्योंकि दूध की बोतल रह गई थी तो आहित दोबारा चले गए हैं वापस रूम पे ताकि दूध की बोतल ले आएंगे, वो उसकी रिफिल करा लेंगे डुब की। एक बार अभी करा लेंगे, एक बार फिर जब उसे दोबारा भूख लगेगी तब करवा लेंगे, बस में बैठने से पहले लेंगे। और उसके बाद इस मार्केट को पूरा एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि मम्मी को हो रहा है बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने का मन, तो मम्मी कह रही कि देखते चलेंगे यहाँ से जो जो पसंद आएगा। कृष्ण, तो हम आ गए हैं यहाँ ढाबे पे, आहित तो मेन्यू चेक कर रहे हैं हमें क्या खाना चाहिए। दुगु जी, आप क्या खाओगे, चपाती या राइस? आहित आप क्या मंगाना चाहिए सोच रहे हो? सब्जी रोटी खाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सारा खाना आ गया है, अब हम खाना खा लेते हैं जल्दी से और फिर जाएंगे अपनी रूम की। और डुगु जी खाओ, पोटैटो है, पोटैटो। खाना पीना खा के आ गए और दोबारा रूम में आके हम आहित और मैं रिलैक्सेशन ले रहे हैं। हमने वार्म वाटर में अपने पैर डिप कर दिए हम दोनों के। और डुगु जी वहाँ पे, डुगु जी हम सबका टमी हो गया है फुल, अब आ रही नींद। अभी थोड़ा सा हमारे पास अभी कितना टाइम आहित, थोड़ा 15-20 मिनट हैं हमारे पास, उसके बाद निकलेंगे। और ऐसे हमें बहुत काफ़ी रिलैक्सिंग लग रहा है यार। ये मेरे देखो हाथ, ऐसा कभी होता नहीं था। मेरे हाथ देखो, मेरे हाथ में पूरी स्वेलिंग हो गई है, मेरे पूरे पैरों में बहुत स्वेलिंग हो गई है, और फेस देखो पूरे फेस पे स्वेलिंग हो गई है बहुत ज़्यादा। ओके सो हम यहाँ पे, मैं फिर दोबारा लेट गई हूँ और मम्मी भी बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, बस कैब का वेट कर रहे हैं, कैब आए और वो हमें लेके जाएगी हमारे पास स्टॉप पे। बहुत थक गए हैं, बहुत 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 ज़्यादा, बस एक डुगु की एनर्जी कोई भी इतनी कर सकता। तो काफ़ी वेट के बाद हमारी बस आ गई है, अब हम बैठ जाते हैं। बैठ गए हैं बस में अच्छे से, अब बस सारे पैसेंजर्स वगैरह बैठे, उसके बाद बस ऑन होगी और हम तसल्ली से सोएंगे और पहुंचेंगे दिल्ली। पहुंच गए हैं फाइनली और गर्मा गर्म टी के साथ मेरे सूजे हुए पैर, मेरे पैरों पे इतनी गंदी स्वेलिंग, मतलब भयंकर। जब मैं प्रेग्नेंट भी थी ना, आहित कह रहे हैं तब भी मुझे ऐसी स्वेलिंग नहीं थी, मतलब मेरे पैर देखो, और मैं इनको टच कर रही हूँ ना, मतलब ये देखो टच नहीं हो पा रहा है, मतलब इतनी टाइट स्किन हो गई, इवन मेरे हैंड्स भी स्वेलिंग हो रही। तो चलिए इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ यहीं पे। आई होप आपने इस व्लॉग को पसंद किया होगा और हमारे साथ साथ आपको भी वही वाइब आई होगी ये व्लॉग एंजॉय करते समय। और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। तो अभी के लिए मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, फिर मिलूंगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।